हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वुडवर्ड फिशर रूल से रिलेटेड सारी टर्म्स और जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आपको करवाई थी और कुछ एक दो एग्जांपल्स करवाए थे। आज मैं कुछ और एग्जांपल करवाने वाली हूँ, ठीक है। और आज ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन पर वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं होगा, वो बाद में बताएंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं वुडवर्ड फिशर रूल की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप। पहली चीज तो मैंने बताई दिया, कॉन्जुगेटेड डाई इन अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्जुगेटेड डाई इन। ये प्रॉब्लम्स किसकी है? कॉन्जुगेटेड डाई इन की, ठीक है। सिलेबस के अंदर कॉन्जुगेटेड इनोन भी है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज कॉन्जुगेटेड डाई इन पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अब देखिए, कॉन्जुगेटेड डाई इन टर्म्स आपको याद होंगे, पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें हो रही है। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, आपसे पूछेगा इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, है ना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, एक तो ये वाला बन रहा है आपका कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब जानते हैं आप लोग कि एक छोड़कर एक, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल सिंगल डबल। यहाँ भी कॉन्जुगेशन बन रहा है डबल सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, या तो इसको ले लो या मेन वैल्यू के रूप में। मैं अगर मान लीजिए इसको लेती हूँ तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये होमो एन्यूलर है या हेट्रो एन्यूलर है या सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन है, ये बताओ आप मुझे। देखिए होमो एन्यूलर डाई इन का मतलब आपको बता रखा है मैंने कि होमो एन्यूलर डाई इन का मतलब क्या है, दोनों कॉन्जुगेटेड बॉन्ड एक ही रिंग में हो। हेट्रो एन्यूलर डाई इन का मतलब क्या बता रखा है, कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप में हो, है ना। और एक होती है सिंपल डाई इन, ठीक है। एक क्या होती है सिंपल डाई इन, वो भी बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये होमो एन्यूलर डाई इन है, ना तो एक ही रिंग में दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ना अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो है पर इसका इसके साथ है, इन ये जो दो बॉन्ड्स हैं इसका और इसका आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। देखो डबल सिंगल मतलब बहुत सारे बॉन्ड बीच में प्रेजेंट हैं, तो ना तो ये होमो है ना ये हेट्रो एन्यूलर डाई इन है, ठीक है। ये सिंपल डाई इन है। कैसे है सिंपल डाई इन? क्योंकि एक बॉन्ड तो अंदर है और एक बॉन्ड रिंग के बाहर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल इसलिए करवाया क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है कि आप कहीं हेट्रो एन्यूलर डाई इन को ना ले लें, इसकी वैल्यू ना ले लें, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू लेनी है? सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन की। किसकी लेनी है? सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन। क्यों? एक बार और बता देती हूँ सिंपल की क्यों ले रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये तो या तो इसको लेंगे हम या इसको लेंगे, तो एक तो रिंग के अंदर प्रेजेंट है और एक रिंग के बाहर है। देखो रिंग कंप्लीट हो चुकी, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो ये आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसलिए हेट्रो एन्यूलर डाई इन तो नहीं है, ये उसका केस नहीं है। सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन का केस है और उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 217 nm, ठीक है। होमो की 253 होती है ना, और हेट्रो एन्यूलर डाई इन की 215 होती है। याद करने का तरीका भी बताया था मैंने आपको वैल्यू, और सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन की 217 nm। तो सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए मैं कितना बताती हूँ आपको, 30 nm। कितना बताती हूँ? 30 nm, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रिंग रेजिड्यू की बात करूँ तो रिंग रेजिड्यू चेक करते हैं यहाँ पे। एक तो ये रहा, मैंने आपको बताया रिंग रेजिड्यू कैसे चेक करेंगे, ये बॉक्स से जो जो बॉन्ड टच है उन सबको काउंट कर लिए। एक ये रहा, एक ये रहा बॉक्स से टच है और एक ये बॉक्स, चार रिंग रेजिड्यू है। एक के लिए 5 होता है ना, तो चार के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 nm, है ना। अब देखिए यहाँ पे और कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात कर लें। तो अगर इस रिंग की बात करें अपन, तो देखिए इधर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इधर भी नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं। पहले कॉर्नर्स को आप चेक ऐसे राउंड राउंड कर लीजिए या पॉइंट आउट कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वो एक्सोसाइक्लिक कहलाएगा, यहाँ पर है तो एक्सोसाइक्लिक। ये जो सारे बॉन्ड बॉन्ड्स मैं बना रही हूँ ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाते हैं। रिंग के बाहर की साइड कोने पर, इसमें देखो रिंग के बाहर की साइड कोने पर एक तो डबल बॉन्ड ये आ रहा है, ठीक है, और एक रिंग की बाहर की साइड कोने पर, इस कोने पर एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी ये वाला, ठीक है। तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए?
टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए तो कितना हो गया, एक एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 होता है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 nm हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेना, जो भी वैल्यू इसकी आएगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए दो एग्जाम्पल हैं, हम लोग इनको देखते हैं, वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहली चीज़ तो आप देखें, ये होमो एन्युलर डाइन वाला केस है, ए डबल जो कॉन्जुगेशन वाले जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, ये रहा कॉन्जुगेशन वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग के अंदर है। अगर आप ये बात करो कि यहाँ पे भी डबल सिंगल डबल हो रहा है तो हम यहाँ अगर इसकी और इसको अगर अगर काउंट करते हैं तो ये सिंपल डाइन वाला केस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डाइन वाला केस करवाया था सिंपल डाइन वाला केस हो जाता, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ सिंपल डाइन की वैल्यू 217 nm है और होमो एन्युलर डाइन की कितनी है 253 nm है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, पिछले वीडियो में जाके देखना। होमो की अगर बात करें तो 253 nm है अगर होमो की बात करें, और सिंपल वाले की बात करें तो कितना है 217 nm ये वैल्यू होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ज़्यादा वाली वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वाली वैल्यू मतलब होमो के अंदर है तो 250, अगर इस तरह के दो केसेस अपने सामने अगर आते हैं तो आप ज़्यादा जिसकी वैल्यू है उसको काउंट करना है ना। तो ज़्यादा 253 होमो एन्युलर के लिए कितना हो गया 253 nm। ठीक है, और मैंने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन को अपन क्या करते हैं 30 nm और दे देते हैं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन को। ठीक है, अब अगर रिंग रेजिड्यू की बात करें, रिंग रेजिड्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बॉक्स से कौन कौन टच है, एक तो ये टच है, एक ये वाला टच है बॉक्स से। ठीक है, और एक ये वाले की अगर बात करो तो ये तो एल्काइल एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एल्किल हिंदी में एल्किल प्रतिस्थापी, इंग्लिश में एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो उसको तो अलग से हम काउंट करेंगे। तो दो रिंग रेजिड्यू है, एक रिंग रेजिड्यू के लिए कितनी होती है 5 nm, तो दो के लिए कितनी होगी, दो रिंग रेजिड्यू है तो दो के लिए कितनी होगी 10 nm हो गया, और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक एल्काइल क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने कितनी वैल्यू बता रखी है 5 nm बता रखी है। तो आप ये लेना और ये इसको काउंट कर लेना, जो भी आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और देख लो यहाँ पर एक बार, कोनों पर कोई डबल बॉन्ड है क्या, कोनों पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए आप होमो एन्युलर डाइन का केस बन रहा है डबल सिंगल डबल, होमो के लिए कितनी होती है 253 nm है ना, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इसको, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या, देखो डबल सिंगल फिर डबल होता तो कॉन्जुगेशन होता, लेकिन डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया तो कोई एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, इस डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। अब देखो RR देखते हैं, रिंग रेजिड्यू बॉक्स, एक तो ये वाला बॉन्ड टच है ये, एक यहाँ ये वाला बॉन्ड टच है, तो दो रिंग रेजिड्यू है तो दो के लिए कितना हो जाएगा 10 nm। ठीक है, कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में अगर श्रेणी में आ जाता अगर यहाँ पर होता बॉक्स से टच होता, जैसे यहाँ पे तो क्या था ये जो है ये जो निकला था ना ये बॉक्स से टच था, बॉक्स वाली रेंज में ही था, बॉक्स की रेंज में। ठीक है, अब ये जो है बॉक्स की रेंज में नहीं है तो बहुत दूर जाकर है, बॉक्स तो यहीं खत्म हो गया तो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब ये इसका यही आंसर है, जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर है नहीं तो यही आंसर आएगा, जो भी है इसको 263 nm। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल और देखिए, दो एग्जांपल और है, दिखने में बड़े बहुत टफ टफ से एग्जांपल लग रहे हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल, लेकिन हमें तो कुछ नहीं करना, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए मैं आपको करवाती हूँ एक एग्जाम्पल, ये देखिए, देखो यहाँ पे पहली बात तो दो केस बन रहे हैं, एक तो डबल सिंगल डबल होमो एन्युलर डाइन भी है, अगर इन दोनों डबल बॉन्ड की बात करें डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, ये हेटरो है, लेकिन हेटरो की वैल्यू कम है और होमो की वैल्यू ज़्यादा होती है तो होमो को कंसीडर करेंगे। तो मैंने मेन वैल्यू जो पेरेंटल चेन है उसको मैंने होमो मान लिया और होमो के लिए कितना लिख दिया 253 होमो एन्युलर डाइन 253 nm। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन को मैंने ले लिया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए कितनी वैल्यू आती है 30 nm आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिंग रेजिड्यू की बात कर लेते हैं, रिंग रेजिड्यू कितना है, बॉक्स से टच सारे बॉन्ड्स को काउंट करो, ये वाला टच है, यह बॉक्स बना हुआ है तो ये वाला भी टच है, ये बॉक्स बना हुआ है तो ये वाला भी टच है, यहाँ पे बॉक्स है तो ये वाला भी टच है। ठीक है, और ये दोनों भी टच है बॉक्स से, लेकिन ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो रिंग रेजिड्यू अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 है ना, 4 हो गए, 4 रिंग रेजिड्यू है, एक के लिए कितनी वैल्यू होती है 5 nm, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी 20 nm। उसके बाद हम दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जो बॉक्स से टच है, अगर यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है अगर मान लो तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे ले लो चलो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट गिरा लेकिन ये बॉक्स से टच नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे, ये दोनों बॉक्स से टच है तो दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है
तो एक के लिए 5 NM होती है, तो दो के लिए कितनी हो जाएगी, 10 NM हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल, और कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करो तो देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। अगर इस रिंग की बात हम करें, ये वाली रिंग की अगर बात करें, तो इसके सारे कोने छानो, ये वाला कोना, ये कोना देखो, इस कोने पर डबल बॉन्ड है, ये रहा, तो एक एक्सोसाइक्लिक तो ये रहा, फिर इस कोने पर डबल बॉन्ड नहीं है, बाहर की साइड, बाहर की साइड, इस कोने पर भी बाहर की साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इस रिंग के लिए तो एक एक्सोसाइक्लिक हो गया। अगर इस रिंग की बात करें तो कोने देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, इस कोने पर बाहर की साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं, इस कोने पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो इस कोने पर एक डबल बॉन्ड गिरा, ठीक है। तो इस रिंग के लिए भी एक हो गया, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 2 एक्सोसाइक्लिक है। एक एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 NM होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 10 NM हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल दिख रहा है, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए पहली बात तो बताओ मुझे, पेरेंटल चेन क्या लोगे, होमो एन्युलर की हेट्रो एन्युलर। यहाँ पे हेट्रो का केस भी है और होमो का केस भी है, पर मैंने और सिंपल का केस भी है, ध्यान दीजिए सिंपल। अगर इस ये वाला बॉन्ड और इस वाला बॉन्ड डबल सिंगल डबल, अगर इन दोनों बॉन्ड की बात करें तो सिंपल डाइन बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड रिंग के अंदर और एक बॉन्ड बाहर, तो सिंपल डाइन का केस है। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, होमो एन्युलर की होती है, तो हम वही वाला केस लेंगे। होमो एन्युलर डाइन की वैल्यू कितनी होती है, 253 NM। तो मैंने आपको ये पेरेंटल चेन बना दी। पेरेंटल चेन बनने के बाद हम एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन देखते हैं, कितना है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, एक तो ये रहा है ना 1, एक ये रहा डबल सिंगल डबल, ये भी रहा एक डबल सिंगल डबल, एक ये रहा, कितने कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा हो गए, 1, 2, 3, 3 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। एक के लिए कितना होता है 30 NM एक बॉन्ड के लिए, तो 30 के लिए कितना हो जाएगा 90। एक बार लिख के दिखा दूं, कहीं किसी को समझ में नहीं आया, 30 × 3 = 90, है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की, है ना। रिंग रेजिड्यू की बात करोगे तो देखिए बॉक्स एंड टच बॉन्ड्स को काउंट कीजिए, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड मैंने बना रखा है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया, फिर डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, एक और एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो जाता, पर दो बीच में सिंगल बॉन्ड फंस गए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है। अब रिंग रेजिड्यू की बात करें, बॉक्स से टच ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉक्स से टच है, इधर ऊपर ये बॉक्स से टच है, बॉक्स से टच ये रहा, एक ये वाला बॉक्स से टच है, इधर ये वाला भी बॉक्स से टच है, और ये वाला भी बॉक्स से टच है। कितने काउंट हुए, 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, एक बार देख लीजिए वापस से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहा है, ठीक है 7। तो एक के लिए 5 होती है, तो 7 के लिए कितनी हो जाएगी, 7 × 5 35 NM, ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू हो गया, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखे हैं क्या, नहीं है अल्काइल कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं पर रिंग के लिए काउंट करो। अगर इस रिंग की बात करें, इस रिंग की बात करोगे तो इस वाले कॉर्नर पे नहीं, इस वाले कॉर्नर पे बाहर की साइड डबल बॉन्ड है, तो एक तो ये रहा, इस कॉर्नर पे नहीं है, इस कॉर्नर पे कोई बाहर की साइड डबल बॉन्ड नहीं है, इस कॉर्नर पे बाहर की साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस कॉर्नर पे बाहर की साइड एक डबल बॉन्ड, ये रहा, ठीक है। तो दूसरा ये रहा, है ना, 2 एक्सोसाइक्लिक हो गए। अब इस रिंग की बात करो, इस वाले कॉर्नर पे बाहर की साइड, बाहर की साइड देखते हैं, अंदर मत देख लेना, बाहर की साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस अगर कॉर्नर की बात करें तो ये रहा एक बाहर डबल बॉन्ड, है ना, तो ये तीसरा हो गया हमारा। इस कॉर्नर पे बाहर नहीं है, इस कॉर्नर पे नहीं है, लेकिन इस कॉर्नर पे ये रहा, तो ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। ये रिंग की बात हो गई। अब इस रिंग की बात करो, इस वाले कॉर्नर पे बाहर की साइड नहीं है, इस कॉर्नर पे नहीं है, इस कॉर्नर पे ये रहा, लेकिन पांचवा यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ये रिंग की बात होगी। अब इस रिंग की बात करो, कॉर्नर छानो सारे, इस रिंग पर ये नहीं, इसको नहीं मानेंगे, यहाँ मानते, ठीक है, कहीं इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड मान लो, यहाँ पे बाहर की साइड, इस पे भी नहीं है डबल बॉन्ड, इस पे यहाँ है, देखो इस पे एक डबल बॉन्ड है, ये रहा, है ना, तो ये छठवा हो गया। तो 6 हो गए एक्सोसाइक्लिक, 6 × 5 = 30, और जो भी आंसर आया वो ऐड करके निकाल लेना। समझ में आ गया, एक्सोसाइक्लिक तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी एक बार वापस बता देती हूँ, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक में प्रॉब्लम आती है, एक बार और देख लो, ऐसे करके देख लिया करो आप लोग रिंग बना के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये रिंग बना लिया करो,
ठीक है, और रिंग बना करके बाहर की साइड डबल बॉन्ड निकाल के देख लिया करो। ये रिंग बनाई मैंने और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड करके देख लिया, ये करके देख लिया करो। और इस तरह से अगर कोई आपको बॉन्ड दिखता है बाहर, तो उसको एक्सोसाइक्लिक काउंट कर लिया करो, ठीक है। अगली बात समझ में, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट एग्जांपल, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जिन पर वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए क्रॉस कॉन्जुगेशन हो, कैसा कॉन्जुगेशन हो, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अभी तक तो मैंने कॉन्जुगेशन की बात की, अब मैं बात कर रही हूँ क्रॉस कॉन्जुगेशन की। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हमारा होता है, तो वहाँ पे उस बॉन्ड पे, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले बॉन्ड पे वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं होता। देखिए जैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से चलती हूँ, मैं यहाँ से चली हूँ, ये रास्ता है मेरा और मैं यहाँ से इधर मुड़ गई, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिंपल कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा ये रास्ता है, मैं यहाँ से चली हूँ और यहाँ से चलने के बाद मैं इधर आ गई, तो ये भी कहलाता है सिंपल कॉन्जुगेशन, यानी कि एल शेप। कौन सा शेप? एल शेप। लेकिन याद रखना, अगर आई शेप बन रहा है, आई शेप अगर बन रहा है या टी शेप अगर बन रहा है, कौन सा शेप, आई शेप या टी शेप अगर बन रहा है, तो वो कहलाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या कहलाता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए कैसे, अगर वैसे मैं नॉर्मल अभी तो नॉर्मल बता दूं, फिर एग्जांपल बताऊंगी। अगर मान लीजिए मैं यहां से चल रही हूं, ठीक है, और मुझे मुड़ना है यहां, ये लो मैं यहां से चली, तो अब मैं यहां से चलूंगी तो एक ही तरफ तो मुड़ पाऊंगी, या तो यहां मुड़ूंगी या यहां मुड़ूंगी, ठीक है। दोनों में, दोनों जगह तो जाऊंगी नहीं कि इधर भी चली गई और एक साथ इधर भी चली गई, तो या तो इधर जाऊंगी या इधर जाऊंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर दोनों तरफ इस तरह से रास्ता बन रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है, आई शेप की बात करो, ठीक है भाई, दो तरफ हो गया, इधर रास्ता आ गया इधर, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। मैं इसका एग्जांपल आपको लेके बता रही हूँ कि एग्जांपल के थ्रू कैसे इसको अपन करते हैं, किस पर वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं होता। देखिए ये एग्जांपल है, अब देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें कॉन्जुगेशन की, डबल सिंगल डबल होमो ले लिया मैंने, ये होमो ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन आ रहा है डबल सिंगल डबल, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, तो या तो मैं यहीं जा पाऊंगी, ठीक है, या तो मैं इधर ही जा पाऊंगी, या क्या जा पाऊंगी, इधर ही जा पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल और यहाँ पे भी डबल सिंगल डबल, तो इस तरह का जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, देखो दो रास्ते छट गए, यहां से मैं चली हूं, अब मेरे दो रास्ते आ गए, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, उस पर ये वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, अगर उनको कहे कि लैम्डा मैक्स निकालो, तो आपको ये वुडवर्ड फिशर रूल से आप नहीं निकाल सकते इसको, अगर आपने निकाल दिया तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ताकि बच्चा गलत करे, क्योंकि वुडवर्ड फिशर रूल से निकालेगा उसको, ठीक है। तो ध्यान, और एक चीज़ और है, जो एरोमेटिक्स होते हैं, जैसे बेंजीन की अगर बात करूँ, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, है कि नहीं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, ये लो बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक्स जितने भी होते हैं, उन पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हालांकि सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ोगे, तब ये चीज़ें नहीं आएंगे, आपको निकालने के लिए आएगा, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब, जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना जरूरी है। मान लीजिए आपको बेंजीन दे दिया, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन बना दिए, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, अपन ने ये बना दिया है ना, होमो एनिलोडाइन 253 nm, तो ये हो गया एक्स डबल डबल सिंगल डबल, है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए 30 nm, ये आ गया। फिर आप रिंग रेजिड्यू वगैरह निकालोगे, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो आपको क्या 4 वैल्यू देगा, ठीक है।
और आपको वुडवर्ड फिशर रूल से भी वो वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देगा एक वैल्यू, और हम क्या करेंगे इसका वुडवर्ड फिशर रूल से निकाल करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख देंगे। लेकिन याद रखना इसकी वैल्यू होती है 254 nm, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो 250 बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 253 तो अपनी होमो एन्यूलर की हो गई, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए हो गया 30 nm, है ना, रिंग रेजिड्यू वगैरह लिखेंगे तो वैसे तो बहुत वैल्यू आएगी, वो भी आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बच्चा अगर वुडवर्ड फिशर रूल से निकालता है तो वो भी टिक कर देगा तो आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर। तो याद रखना है बेंजीन की 254 nm होती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, ठीक है। सेकंड ईयर के जब एग्जाम होंगे वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा ये, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है उसको, तो बस उसके लिए बस आपको जरूरी है कि कंपाउंड की वुडवर्ड फिशर रूल से जो वैल्यू है वो निकालना आना चाहिए। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नेट के बच्चे, नेट गेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो एरोमेटिक्स पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन पर अप्लाई नहीं होगा, और कब अप्लाई होगा वो मैंने बता ही दिया, और किस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये बता दिया मैंने। आप मुझे एक क्वेश्चन है उसका आंसर का मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके और इसका आंसर लिखना, ठीक है। ये देखिए आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, और जो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी उसको मुझे आप आंसर में लिखकर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो अभी तक का तो खत्म हो गया है हमारा लेक्चर, अगले लेक्चर में इनोन्स की लैम्डा मैक्स निकालना सीखेंगे। अभी तो कॉन्जुगेटेड डाई इन की सीखी है, कॉन्जुगेटेड इनोन की सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।